और वो जो आप कंगन देख रहे हैं वो शायद न शायद मैं सोच रहा हूँ हाथी दांत से बने हुए हैं, क्योंकि उस टाइम लाख का आविष्कार भी नहीं हुआ था। बच्चों के खेलने के लिए चौपट पासा, अभी बोलते हैं लूडो, इससे बोलते हैं राजा रानी लॉक्स। अच्छा। एक ही लॉक्स में दो कील लगती है। हाँ हाँ। एक राजा के पास तो दूसरी रानी के पास, जब दोनों वो मिलके रहते थे तो ही ताला खुलता था, इससे झगड़ा नहीं करते। आज इन लॉक्स की कीमत अगर अपन देखें तो 20 से 30 लाख रुपए एक लॉक की कीमत, बिल्कुल एंटिक मार्केट में इसका तो 1-2 करोड़ ही होगा मेरे हिसाब से, बाकी ये 20-30 लाख रुपए के हैं। आगे अपन इस हवेली के पूरे रूम विजिट करेंगे। हाँ। और ये हैंडमेड फैन, हाँ, जो हाथ से फैन के ये आज हमने भी खरीदा एक बार से। और ये और जो ये मुनीम जी वाले चश्मे, जो सेठ लोग बनिया लोग पहनते थे, मुनीम जी पहनते थे, गोल पहनते थे कि नाक पे जोड़ नहीं पड़े क्योंकि जो भी चीजें अपने पुरखों ने बनाई है उसके हर के पीछे एक लॉजिक होता है। ये हाथ से घूमता था शायद पहले, नहीं ये फैन है जो संडे मंडे हुआ करता था, दोनों तरफ से चला करता था। अच्छा। ये फर्नीचर है, इसके ऊपर मिरर का वर्क किया गया है, मिरर लगाया गया है। वो एक आप देख सकते हैं ग्रामोफोन विनाइल प्लेयर, और इधर एक टेलीफोन है, ये 1960s का है शायद जी। हाँ। ये इस पे जो ग्लास लगाया हुआ है ये पूरा बेल्जियम ग्लास है, बेल्जियम से लाया गया। ये एक उसका प्रतीक होता था कि हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं इसलिए खर्चा कहाँ करें, तो इसके लिए बेल्जियम से ग्लास मंगा के लगाते थे। ये है यहाँ के जो गौरी माता होती है, गणगौर माता, मैन जो फोर्ट जैसलमेर की माता जी थी वो फोर्ट के अंदर है रॉयल फैमिली की। और ये यहाँ का काम चलता है साड़ियों में, साड़ियों में नहीं चलता मैं बताता हूँ आप, ये अलग अलग सीजन की अलग अलग कपड़े होते थे कि शादी में ये पहनना है, शादी में, होली में। हाँ, तो ऐसे बताओ आप पूरा बताओ ये भूरा प्रिंट इसलिए काम आता था, ये कोई मर जाता था तो ये फोल्डिंग साइकिल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी हिटलर के टाइम पे, और चॉकलेट का आविष्कार भी हिटलर के टाइम पे हुआ था। तो ये एक ऐसी बीकानेर के जूनागढ़ में भी पड़ी है जो महाराजा गंगा सिंह जी को दी थी, और ये टॉयलेट क्योंकि ये लेट 1930-40 के बने हुए हैं, और वो पालकी और ये कैंडल हाउस। ये क्या है पवन जी, स्टोव ही है? हाँ स्टोव है। ये फोल्डिंग साइकिल है, ये हिटलर ने चलाई थी, हिटलर ने दो चीज़ बनाई थी, एक तो ये और एक चॉकलेट, कि उसके जो फौजी थे दिन भर लड़ते थे, रात को फ्रेश होने के जाते, सुबह तो उनको मार देते सामने वाले, इसलिए ऐसी चीज़ में आओ जिससे वो फ्रेश ही नहीं हो, तो उस चक्कर में उन्होंने चॉकलेट का आविष्कार कर दिया। ये क्या चीजें अभी ये मेरे को बाहर की चीज है, ये पवन जी इनमें एक्सपर्ट है, ये बताएंगे आपको। ये यहाँ के लॉक्स है तो यहाँ पर राशि फल के हिसाब से, राशियों के हिसाब से लॉक बनाए गए। ये लोग वो थुम्बाड़ मूवी वाला जैसा लग रहा है ना, इसे बोलते हैं राजा रानी लॉक्स। अच्छा। एक ही लॉक्स में दो कील लगती है। हाँ हाँ। एक राजा के पास तो दूसरी रानी के पास, जब दोनों वो मिलके रहते थे तो ही ताला खुलता था, इससे झगड़ा नहीं करते। तो ये पुराने समय के एंटिक्स लॉक है। और ये ऊंट का पलान, आज इन लॉक्स की कीमत अगर अपन देखें तो 20-30 लाख रुपए एक लॉक की कीमत, बिल्कुल एंटिक मार्केट में इसका तो 1-2 करोड़ ही होगा मेरे हिसाब से, बाकी ये 20-30 लाख रुपए के हैं। इतने के एंटिक सामान है ना जो बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ये कर्क राशि होती है, कैंसर राशि, जो राशि के हिसाब से लोग लगाते थे, ज्योतिष बताते थे। मिर्ची सेठ देखा है सरफरोश फिल्म में, बाकी आप हमारा चैनल देख लेना सब समझ में आ जाएगा, 500 यात्रा नाम से। ये बेडरूम है ना, ये इनका बेडरूम है, तो इन ये चौपड़ उनके बच्चों के खेलने के लिए, चौपड़ पासा, अभी बोलते हैं लूडो। ये पेंटिंग ये जो प्रेस को ये उसी टाइम की है, ये बाद में इसको रिकवर कराया गया, रिनोवेशन होता रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि पुरानी पेंटिंग ज्यादा देर तक टिकती नहीं पानी से। ऊपर अपन को हर जगह छत लकड़ी का ही नजर आएगा, जबकि ये है जैसलमेर पत्थर, लकड़ी है पूरा ये। अच्छा, लकड़ी है, लकड़ी है, यहाँ पता भी नहीं पड़ता लकड़ी कौन सी है पत्थर कौन सा, दोनों में सेम है। उस लकड़ी का, उस पत्थर का भी नाम है सैंड स्टोन, मिट्टी से बना स्टोन।
हजारों वर्ष लग गए उस मिट्टी को सुकर में पत्थर में कन्वर्ट होने समय की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। और जो वो आप देख रहे हैं पगड़ी टांगने वाला, वो भी अंग्रेजी इलाका का ही है, अंग्रेजों के टाइम का ही है, क्योंकि अपनी सभ्यता में ऐसा नहीं था कि पगड़ी को ऐसे टांगा जाए, है ना। तो ये जब अंग्रेज लोग बाहर से आते थे तो अपना कोट हैट और ये पकड़ने वाला हैंडल, ये तीनों चीजें टांग के घर के अंदर घुसते थे। हाँ वो तो पुरानी है पेटी तो। और ये देखो इसके ऊपर जो मच्छरदानी लगाने के लिए लगाते हैं वो भी इन्होंने इससे लगा रखा है, चांदी का ही बना रखा है पूरा। और वो साइकिल वो थोड़ी है। ये बच्चे को झूला झुलाने के लिए पालना। ओल्ड टाइम में यहाँ पर लेडीज तैयार हुआ करती थी और सामने है उनका डाइनिंग। डाइनिंग टेबल के ऊपर आपको दिख रहा होगा एक सिलाई मशीन है, जो हैंड प्रोसेस्ड है, हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन है जो आपको दिख रही होगी। और जो आपको ड्रेसिंग दिख रही है उसमें भी फोल्डेबल मिरर्स लगे हुए हैं। मिरर्स का आविष्कार सबसे पहले ताइवान और चाइना के बॉर्डर पे हुआ था, तो सेठ लोग वहाँ से लेके आते थे, इंडिया में फॉरेनर्स लाए थे। और वो जो आप कंगन देख रहे हैं वो शायद मैं सोच रहा हूँ हाथी दांत से बने हुए हैं, क्योंकि उस टाइम लाख का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और ये पुराने रीजनल मारवाड़ी सेट और केरोसिन ऑपरेटेड प्रेस, जो केरोसिन से चलने वाली प्रेस है। और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर बताई गई है, जो लेडीज लोग 16 श्रृंगार करती है तो अलग अलग डिजाइन में 16 बताई गई, चार जो 16 श्रृंगार हैं, चार चार के पैर में आप देख सकते हैं कि एक औरत अपना शीशे के सामने श्रृंगार कर रही है, दासी उसके पीछे। पर इस चीज में, इस पेंटिंग में आपको एक चीज बताऊं, ये फ्रेस्को और फ्रूट मिक्स वेजिटेबल के कलर से बनी हुई है। जैसी औरत यहाँ बैठी है उसके सामने देखो उसका प्रतिबिंब कांच में बिल्कुल सेम है, उसकी छाया भी दिख रही है। इसका मतलब ये कलाकार होता था और इसका चेला होता था, ये मेन कलाकार की बनाई हुई है। आगे आप देखेंगे ये अलग अलग श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है, एक में केस का श्रृंगार है, एक में नाक का श्रृंगार है, एक में ऊपर इसको क्या बोलते हैं जो अपने लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं बोर्डी, टीका बोर्डी। और बोर्डा, बोर्डा, ये जो आजकल लड़कियां करवाती है मेडिक्योर, पेडिक्योर बोर्डो बोर्डी, ये पेडिक्योर हो रहा है इसका, पैर का ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आगे चलते हैं। और आगे अपन क्या देखेंगे, अभी हम पहुंच चुके हैं इसके ऊपर के हॉल में। तो इन बड़े बड़े बर्तनों के अंदर पानी का स्टॉक करके रखते थे, क्योंकि पानी था नहीं, जितना भी बारिश का पानी आता था इस नाली से होके अच्छा। नीचे वाटर टैंक में या बड़े बर्तनों के अंदर इकट्ठा करते थे। तो ओल्ड टाइम में एक ही वाटर को 3 times यूज किया जाता था, फर्स्ट नहाए उस पानी को इकट्ठा करके, सेकेंड टाइम कपड़े वॉश होते थे अच्छा। फिर पानी इकट्ठा, फिर फ्रेश वॉश। तो जैसलमेर को काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगर किसी सरकारी ऑफिसर को सजा देनी हो तो ऐसे बोलते थे जैसलमेर भेज दो, मेरे को बना दो, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ पर है इसके अंदर लेडीज जिम अच्छा, तो भैया लोग आ जाते हैं फिर किचन, ये किचन है, ये हमारे जो सेकावटी एरिया है ना उसके अंदर जो हवेलियाँ हैं उसमें भी बहुत यूज होते हैं। और यही बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले चूल्हे और सिगड़ी पे खाना बनाया करते थे, गैस का यूज नहीं होता था, जितना भी काम होता था हाथ से करके, चाहे वो आटा पीसना हो। ये ऑरेंज जूसर, ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है, ये भी सब जूसर ही है। और वो देखो वो कागज से बनने वाले खाटके है मिट्टी से बनाए, मिट्टी से बना है, कागज से बना है, मिट्टी 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 का बना हुआ है। और ये अलग अलग मसाला पीसने के लिए, और ये बर्तन और ये टिफिन, ये अपने वाले मुकाबले ज़्यादा मजबूत है ये टिफिन। और ये पानी भरने के लिए, पानी साथ में कैरी करने के लिए, इसे बोलते हैं बादला, बादला हमारी तरफ कुछ और ही बोलते हैं इसको, इसलिए मैंने सोचा आप ही बोलो बादला। और फिर जब अंग्रेज आए तो इन्होंने नूडल मशीन, नूडल मशीन बना ली, केरोसिन स्टोव बनाया, डीजल निकलता, पेट्रोल निकलता, फिर लास्ट में केरोसिन निकलता।
केरोसिन का अंग्रेजों ने बहुत अच्छा उपयोग किया। इधर भी बर्तन पड़े हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं, पीछे घर है, चरी है, चिमटा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आइए आगे चलते हैं। ये है इनका डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में क्या होता था कि जो आएगा उसको खाना यहीं बैठ के खिलाएंगे, और एक ही नीचे बैठ के चारों भाई साथ साथ में खाया करते थे। अभी तो अलग एक सिस्टम चल गया, बफर सिस्टम। तो पहले नीचे बैठ के सब साथ में खाया करते थे। यहाँ पे तीन हाथ से चलने वाला फैन, हाँ यही मैं बता रहा था आपको, साइकिल पुली से चलने वाला फैन और स्टीम कुकर, इसमें चावल उबलते थे, और ये आइस बॉक्स में नमक और बर्फ साइड में डाल देते थे। तो लेडीज लोग घूंघट में रहती थी, लेडीज लोग ओल्ड टाइम में और आज भी अलग ही खाना खाया करते थे सेपरेट। हाँ, लेडीज के लिए अलग ही, तो लेडीज जेंट्स के बाद में भी खाती थी। ऊपर ये देखो लद्दाख स्टाइल कार्विंग वैसा ही बना हुआ है, ये लकड़ी है ना पूरा, ये पूरा लकड़ी है। अगर आपने लद्दाख पैलेस देखा है हमारे पिछले वीडियोस में तो आपको नजर आ जाएगा ये सेम वही है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है। लद्दाख के लोग थोड़े छोटे होते हैं हाइट में, तो इसको नीचे रखा गया था। आगे अपन चलते हैं इनके म्यूजिक रूम में, जहाँ से हर आदमी को चाहिए कि शाम को म्यूजिक सुने। ये यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, ये जोधपुर के इंस्ट्रूमेंट है, और राजस्थान की जो भी एग्जाम्स होती हैं उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ का फेमस सॉन्ग है राजस्थान का मूमल,